परीक्षा प्रेस के प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार सिंह आपका ज्योग्राफी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेबस आपका ये है, ये आपका सिलेबस जो है जो यूपी का ट्रिपल एसएससी है वो उसके लिए है। यहाँ पर सिलेबस देखिएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, तो इसमें जो है जो मेनली आपको फोकस करना है वो केवल करना है भारत के भूगोल पर। भारत का भूगोल में जो आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मतलब विशेषता या मेनली जो कहिए वो आपको यही तीनों सेक्टर कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपके कमीशन ने एक शब्द, एक लाइन ये भी लिख दिया है, विश्व के भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी ही अपेक्षित होगी। इस वजह से जो हमारा मेन पूरा फोकस है वो इंडियन ज्योग्राफी पर ही होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं कि जो आपका देखिए 2015 का जो लोअर पीसीएस रहा है वहां पर देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आए हैं 150 क्वेश्चन में। 2019 जो आपका लोअर पीसीएस है वहां पर आपका देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8-10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस में। तो नियर अबाउट अगर परसेंटेज हम लोग निकालते हैं तो वो कुल मिलाकर के आपका बनता है 20% के आसपास, 20% आपका क्वेश्चन बन रहा है यहां पर। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी लोअर का मेंस होने वाला है वहां पर भी आपके जो है लगभग 20% क्वेश्चन आएंगे। तो जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन, वहां पर 15 क्वेश्चन हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां इतने क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे। और उसमें भी हमारा ये मानना है कि लगभग 6 क्वेश्चन आपके जो है ये होंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 9 क्वेश्चन आपके होंगे इंडियन ज्योग्राफी से। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखिएगा ये आपका एक करंट का क्वेश्चन है लेकिन ये भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है कि एक आपके साइक्लोन के बारे में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत में किसमें देखिए सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किया गया है, इसको पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलिएगा यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, देखिएगा कि हिमालय में देखिए कौन सी घाटी है। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। कितने जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ध्यान दीजिएगा ये भी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ है। मेघालय का पठार, ये भी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं यहां पर, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ता है? ये भी आपका जो है जुड़ता है आर्थिक भूगोल भारत के वहां से। ध्यान दीजिएगा यहां पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसका जवाब होगा केजी बेसिन। ये भी आपके इंडियन ज्योग्राफी का आर्थिक सेक्शन है, इकोनॉमिक वाला सेक्शन है। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहां स्थित है? ध्यान दीजिएगा ये भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से अपेक्षित करता है एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो ये आपके देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपके कमीशन ने पूछे हुए हैं एग्जाम में। एक देखिएगा जो मैदान से पूछा गया, खादर और भागर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भागर जो आपके पढ़ते हैं हम लोग किसमें पढ़ते हैं? जलोढ़ मिट्टी में। और आगे चलते हैं, देखिएगा तनामी रेगिस्तान ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया में जो है, एक आपका डेजर्ट है, ये भी आपको किसका है? फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का सेक्शन है। तो कुछ देखिएगा क्वेश्चंस के लेबल देखिएगा और क्वेश्चन के टाइप आपको कुछ ऐसे, बेनिस शहर जो कि नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है? बेनिस जानते ही है, राहुल बाबा का शहर है अपना, राहुल बाबा का देश है। तो वो आपको कहां मिलेगा? ये इटली में। और आगे चलते हैं, देखिएगा ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग सिलेबस क्या कवर करेंगे, जो आपका एक्चुअल पॉइंट है। देखिए जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं आपका इस सेक्शन के अंतर्गत, यहां पर आएगा इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे। जो पहला सेक्शन आपका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि आपका ये मेन सेक्शन है इंडियन ज्योग्राफी आपके इस सिलेबस का, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपसे लेगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम कुछ डीप लेकर के आपसे चलेंगे। तो यहां पर भारत का भूगोल जो पढ़ेंगे उसका परिचय, परिचय में ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे आपसे, लोकेशन, शेप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांशी देशांतरी स्थिति, टॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, एरिया एंड एक्सपेंशन, ये सबको सारा सेक्शन आपका चलेगा। इंट्रोडक्शन में बाउंड्रीज हम इसी में ही देख लेंगे, इंट्रोडक्शन में ही इंडियन स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, मतलब भारत के राज्य कौन कौन से हैं और उनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं
उनके बारे में, इंटरनेशनल बाउंड्रीज अंतरराष्ट्रीय सीमा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले टॉपिक में इंडिया का, भारत का केवल हम परिचय करा रहे और उसमें हम इतने टॉपिक कवर कर रहे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम लोग धारवाड़, कुडप्पा, आर्कियन, ये जो चट्टानें होती है, मतलब किस प्रकार की चट्टानों से ये बना हुआ है और ये कहां कहां पाई जाती है, इनका महत्व क्या है, हम यहां से देखेंगे। दूसरा हम लोग जो तीसरा सेक्शन आपका है, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। अक्सर आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप भारत को चार भागों में बांट देते हैं, एनसीईआरटी आपका छह भागों में बांटता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का बृहद मैदान, ठीक, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो वो जो आपने ये जो चार सेक्शन बांटे वही आपका भौतिक प्रदेश है। अगले पर जो हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भारत में अपवाह तंत्र, ठीक है ना, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, जितनी भी भारत की नदियां हैं जहां पर रिवर सिस्टम, मतलब एक प्रमुख नदी बनती है छोटी छोटी नदियों को जोड़ते हुए, तो वहां पर नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कहां पर, ड्रेनेज सिस्टम में। आगे चलते हैं हम लोग, तीसरी में हम लोग देखेंगे क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम के बाद अगला जो हम लोग जो टॉपिक होगा आपका, टॉपिक नंबर फिफ्थ, वो होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद हम लोग देखेंगे मृदा, क्यों, क्योंकि जैसी वहां की जलवायु होगी, जैसी वहां की भूगर्भिक संरचना होगी, जैसा वहां का भौतिक प्रदेश होगा, वैसे ही वहां की मृदा पाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एसोसिएट है, जुड़े हुए हैं आपस में, तभी आपको मृदा वाला टॉपिक समझ में आएगा, उसी सीक्वेंस में, ऑर्डर में इसको अरेंज भी किया गया है। अगला जो हम लोग देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति है ये भी निर्भर करती है भूगर्भिक संरचना, भारत के भौतिक प्रदेश, मतलब वहां का भौतिक प्रदेश कैसा है, वहां का अपवाह तंत्र कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की मृदा कैसी है, तो वहां की प्राकृतिक वनस्पति भी कैसी होगी, ये इसी पर निर्भर करेगा। तो हम जो सातवां टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन का। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल वेजिटेशन के बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ेंगे जो आपका करंट से रिलेटेड है, तरीके से कहिएगा, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। नगरीकरण तरीके से देखिएगा तो ये आपका फैक्चुअल सेक्शन आ जाएगा कि नगरीकरण, यहां पर हम केवल कॉन्सेप्ट का सेक्शन कवर करेंगे, कुछ सेक्शन जो आपके फैक्ट वाले सेक्शन है, यहां पर जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, जो हमारे बाकी टीचर्स हैं, कलीग्स, वो जो है इस सेक्शन को, बाकी फैक्चुअल सेक्शन कवर कराएंगे, हम केवल आपसे कॉन्सेप्ट का सेक्शन करेंगे, कौन सा, प्रॉब्लम्स, कि नगरीकरण में यहां पर समस्याएं क्या क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ट्राइब्स का, जनजातियां और समस्याएं तथा इनके समाधान, और ध्यान दीजिएगा इसी में एक टॉपिक आपका और भी होगा, इन जनजातियों के उत्थान के लिए योजना कौन कौन सी चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये भी ध्यान दीजिएगा, और समस्याओं के साथ साथ में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए या नगरीकरण में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए योजना भी कौन सी होगी, ये भी आपका जो है, जो हमारे साथ के हैं स्टूडेंट, वो भी कराएंगे, क्योंकि ये सारा का सारा सेक्शन आपका करंट और फैक्ट से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में, हम लोग क्या देखेंगे, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी। जनरली इन सब सारे टॉपिक्स को हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करते हैं, यहां पर हम मिसलेनियस टॉपिक में इन सारे चीजों को हम कवर करेंगे बारी बारी से। ध्यान दीजिएगा इसी में आपका लैंडस्लाइड, क्योंकि अभी का करंट सिनेरियो ये है कि जितना अधिक बारिश हो रहा है इसी में भूस्खलन की समस्या भी खूब बढ़ी है, और इस भूस्खलन के कारण ये भी एक टॉपिक आपका मुद्दा बनता है भूस्खलन का। आगे चलते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका एक जनरल इंफॉर्मेशन पूछेगा, इस वजह से हम यहां पर आपको केवल मैपिंग सेक्शन कराएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जितने भी आपके सातों कॉन्टिनेंट हैं, इन सातों कॉन्टिनेंट में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, महत्वपूर्ण नदियां, नगर, राजधानी, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, घास के मैदान, जनजातियां इत्यादि। इत्यादि का मतलब ये हुआ कि जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। अब यहां पर हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाएं या कुछ कंटेंट ऐसे हो जाएं जहां पर हमने चीजों को कवर नहीं किया था, तो आप यहां पर हमें बताइएगा, वो टॉपिक हम यहां पर कवर करा देंगे, और भी टॉपिक्स जो जुड़ेंगे इसके प्रोडक्शन से जुड़े हुए। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, जो आपका पहला टॉपिक है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, हमने देखा था उसमें हमने पढ़ा था, पहला टॉपिक आपका था अवस्थिति,
जिसे हम लोग पढ़ते हैं लोकेशन पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो लोकेशन आप लोग देखते हैं, जनरली हम लोग लोकेशन क्या है, अवस्थिति। जैसे हम लोग कहीं खड़े हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा अपनी लोकेशन आप भेजो। तो लोकेशन का मतलब कहां पर, जहां पर आप खड़े हैं अपने आसपास की चीजों को आप बताते हैं कोऑर्डिनेट करके, किसी चौराहे पे खड़े हैं तो हाँ यहां पर ये है, यहां पर ये रोड जा रही है, यहां पर ये, आप पर्टिकुलर किसी इंटरसेक्शन पॉइंट को बताते हैं, देखो ये रोड जो जा रही है उधर को जा रही है किधर को जा रही है, उसके बीच एकदम सेक्शन पर जहां इंटरसेक्शन हो रहा है चीजें, जहां पर आपस में चीजें मिल रही है, इंटरेक्ट हो रही है और वो काट रही है दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पर मैं खड़ा हूं, तो वो आदमी को एक गेट मिलता है। ये जनरली आप समझिएगा, अवस्थिति जब पढ़ते हैं तो एक जनरली ये ग्लोब था जनरल, लेकिन अब यहां पर हम किसी भी व्यक्ति की अवस्थिति को जानेंगे कैसे, अवस्थिति को जानेंगे। लेकिन इसके पहले इसी पर ही चीजों को हमने देखा था ग्लोब पर, कि कुछ इस तरीके से लाइनें ड्रॉ कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपका वर्ल्ड है विश्व जिसे आप देख रहे हैं यहां पर, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। कारण क्या है कि ये जो अगर हम अफ्रीका को देख रहे हैं सामने के मैप में, तो इस अफ्रीका को अगर हम एक बार होलिस्टिक अप्रोच में अगर देखें तो शायद इसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हमने इस अफ्रीका को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसे देख रहे हैं ना। ये जो ग्लोब पर आपको लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, मतलब कहां से, नॉर्थ से साउथ की ओर दिख रहा है ना। ये जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो आपको लाइनें दिख रही हैं, लंबी लंबी लाइनें, तो उसके लिए हमने इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया, लॉन्गिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक व्यवहारिक परिभाषा है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी में जाते हैं, एनसीईआरटी में जाते हैं तो इसकी एक अलग डेफिनेशन है। लॉन्गिट्यूड ये लाइनें हो गई, लेकिन कुछ लाइनें आप जो देखते हैं वो आपको ग्लोब पर कुछ ऐसे मिलती हैं। पड़ी हुई लाइन है या लेटी हुई लाइन है ग्लोब पर, देख रहे हैं ना, ये ऐसे, ये देखिए उत्तर दक्षिण की ओर इस तरीके से ये गई रहती हैं, देख रहे हैं ना। तो ये जो लाइनें हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, जो इसका हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं हम लोग देशांतर, और ये जो हम लोग कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश, अक्षांश और देशांतर। जो अक्षांश हैं ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर फैले हुए होते हैं, ये आपका पश्चिम और ये आपका पूरब। ध्यान दीजिए ग्लोब पर एक बात और, जब आप ग्लोब पर पढ़ते हैं चीजों को तो जो ऊपर का सेक्शन होता है एरो, वो हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है, और जो नीचे का सेक्शन होता है वो हमेशा साउथ को इंडिकेट करता है, और जो ये वाला सेक्शन होता है ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट, ठीक क्लियर है। क्योंकि जो आपका राइट हैंड है वो आपका वेस्ट, जो और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका ईस्ट, और जो आपकी अर्थ है वो आपके पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। अगले वाले मैप पर हम लोग आते हैं, अब देखिएगा यहां पर आपको देख क्लियर मिल रहा है पूरा, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड मिले आपको यहां पर। दिख रहा है ना ये आपको लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये जो नीचे नीचे जो लाइनें हैं ये से लैटिट्यूड और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अगले वाले मैप पर आते हैं हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा ये देखिए मेयर सेक्शन ग्लोब पर। अब उसी जो ग्लोब को जो हमने आपको पहला दिखाया था ग्लोब, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसी को हमने अब इसमें कुछ लाइनों को डिफाइन कर दिया गया। देखिए ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हिस्सा है आपका ये लैटिट्यूड है और ये हिस्सा क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है, देख रहे हैं आपका। और जो ये बीचों बीच ये जो लाइन जा रही है इस ग्लोब के, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर, ठीक। जबकि ये जो लाइन जा रही है इसे हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, क्लियर। आगे पे आते हैं हम लोग, ये देखिएगा जो हमने आपके लिए हाथ से जो ग्राफिक्स तैयार किया हुआ है,
यहां पर देखिए अवस्थिति को, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली लाइन देखिए ना आप लोग, ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रधान मध्यान रेखा। क्लियर हुआ? कारण क्या है कि जैसे ही इस लाइन को आपका सूरज या सन या तो लेफ्ट हैंड क्रॉस कर रहा है या इधर की ओर आ रहा है, तो यहां पर जो दिन है वो एएम और पीएम आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इस लाइन से कहां जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो आपका टाइम है वो हमेशा प्लस होगा, मतलब यहां पर आप हमेशा जो है टाइम को क्या लिखेंगे, पीएम, क्योंकि यहां पर दिन बीत रहा है, जो सूरज है ना वो कहां जा रहा है, पूरब की ओर, कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है, वो पीछे की ओर जा रहा है और पश्चिम का हिस्सा कहां आ रहा है, आगे की ओर, मतलब सूरज के सामने। वहीं पर इस लाइन से जब इधर की ओर आते हैं, मतलब ये जो कौन सा हिस्सा है आपका, वेस्ट, पश्चिम की ओर, यहां पर आइएगा तो जो टाइम आपका है समय वो जो है कम होता है, और यहां पर हमेशा टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, एएम, क्योंकि यही इसी लाइन से ही चीजें डिफाइन होती हैं, पूरे वर्ल्ड की जो घड़ी है वो यहीं से ही निर्धारित होती है, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्यान रेखा, मतलब दोपहर के 12 बजे के पहले का समय एएम और बाद का समय पीएम। क्लियर हुआ यहां पे? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग ये वाला सेक्शन, जो अगले पर आइएगा, ये जो बीच की लाइन है ये जो जा रही है इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा इक्वेटर, हिंदी में आइएगा तो इसके लिए जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो पहला कहा जाता है वो कहा जाता है विषुवत रेखा। अब समझिए इक्वेटर क्यों कहा गया, इक्वेटर इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इक्वली डिवाइडेड, दैट लाइन इज डिवाइडेड इक्वली ग्लोब इंटू टू पार्ट, मतलब यह रेखा जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको इक्वेटर। अब जाहिर सी बात है इसी इक्वेटर पर सूरज जो है, जो सन है जिसका जो पर्यायवाची है सिनोनिज्म, वो से हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं हिंदी में, क्योंकि साल भर सीधा चमकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको, विषुवत रेखा, मतलब विषुव मतलब सूर्य, विषुवत मतलब वर्ष भर चमकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, विषुवत रेखा। एक शब्द यहां पर और प्रयोग होता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हम लोगों ने क्यों कहा, भूमध्य रेखा हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जो पृथ्वी आपका है भू है ना, यह भी पर्यायवाची है, इस पृथ्वी के बीच से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा यहां पर। अब कुछ लाइनें और भी डिफाइन हुई, ठीक इसी के नॉर्थ में चलिएगा तो इधर की ओर आपका 23.5 डिग्री, ये भी आपका क्या हो गया, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसी के साउथ में आइएगा तो एक लाइन आपकी और डिफाइन होती है 23.5 डिग्री की, 23.5, और ये भी 23.5, ये ध्यान दीजिएगा ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हिंदी में कहते हैं इसको मकर रेखा। ऐसा क्यों, हमने ये लाइनों को क्यों लिया, क्यों इसलिए लिया क्योंकि जो सूरज की जो सीधी किरणें पड़ती हैं डायरेक्ट एकदम सीधा वर्टिकल 90 डिग्री पर, वो सिर्फ ग्लोब पर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। लेकिन जैसे ही सूरज इधर जाता है तो इधर सूरज नहीं जाता है, उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, वर्टिकल नहीं होती हैं, कैसे जाती हैं, थोड़ी सी स्लाइड हो जाती हैं, तिरछी,
तो इधर भी सूरज नहीं आ पाता और ना ही सूरज इधर आ पाता है। इस वजह से इन दोनों लाइनों को डिफाइन किया गया है। दो लाइनें आपको और भी मिलेंगी, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। क्लियर हुआ यहां पर? ये आपका जो है साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पर। तो हम जो आपको बता रहे थे भारत की अवस्थिति, तो पहली अवस्थिति हम देखते हैं ऑन ग्लोब, भारत है कहां पर। तो भारत की जो स्थिति है वो देखिएगा, आपको मिलेगी 8 डिग्री 4 मिनट। समझिएगा, मिनट का साइन ये होता है, जब सेकंड होता है तो पीछे डबल लगाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट ठीक से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी क्या लिखा जाता है पीछे, एन मतलब नॉर्थ। अब एन का क्या मतलब है, इस इक्वेटर से आप जब ऊपर की ओर जाइएगा तो जो ये ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा। मतलब इस जीरो से लेकर के इस 90 तक जो हिस्सा होगा वो होगा आपका एन, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। और इस जीरो से लेकर के ये जो नीचे का 90 है, ये जो हिस्सा है ये होता है एस, मतलब इसका होता है दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर ठीक, ये हिस्सा हुआ। अब अगर हम लोग देखते हैं तो जो भारत की स्थिति है वो इस ग्लोब पर कहां है, तो हम देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखा हुआ है, मतलब है इस जीरो से ऊपर की ओर होगा भारत। कहां पर होगा वो कहीं भी हो, लेकिन वो इसी वाले हिस्से में है। क्लियर हुआ ना? तो ये वाला हिस्सा आपका भारत का, भारत कहीं भी हो सकता है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर? अगले पर आते हैं, ऑन ग्लोब पर ही अगला जो स्थिति देखिएगा जो भारत का है, लॉन्गिट्यूडनल देशांतरी विस्तार, वो आपको मिलेगा 68 डिग्री से लेकर के लगभग 97 डिग्री। ये हम सिर्फ रफली ले रहे हैं आपसे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर इस इन दोनों डिजिट्स के पीछे लिखा रहता है ई। इस ई का क्या मतलब है? ई का मतलब हुआ पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध कैसे? ध्यान दीजिए, जब पूर्वी गोलार्ध को हम लोग देखते हैं तो आपका ग्लोब को चार हिस्सों में बांटा जाता है। जब आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाइएगा तो ये उत्तर, इक्वेटर से नीचे आइएगा तो दक्षिण। लेकिन जब पूर्वी गोलार्ध बात कर रहे हैं तो इसी ग्लोब को अब बांटा जाता है इस लाइन के सहारे। ये जो आपको लाइन है ना, प्राइम मीडियन लाइन, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपसे प्रधान मध्यान रेखा, इसके इधर का हिस्सा आपका है पूर्वी गोलार्ध। क्या है ये? पूर्वी गोलार्ध। और इस लाइन के इधर आइएगा तो ये आपका है पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर, जो इंग्लिश में कहते हैं हम लोग गोले का आधा हिस्सा। अब यहां पर देखिए 68 डिग्री 97 डिग्री है ना, ये ईस्ट ही है, दोनों पूरब ही है। मतलब इस जीरो से कहां जाना पड़ेगा? पूरब की ओर। और ये आपको डिजिट मिलेगा 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। क्यों? क्योंकि जो आपका पूरा एक सर्किल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 180 पूरब और 180 पश्चिम। तो जाहिर सी बात है जो 68 से 97 है वो कहां आ रहा है? इस जीरो से 180 के बीच में आ रहा है। इस जीरो से 180 कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है, वो इसी हिस्से में। तो इसके पहले हमने देखा भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां है? पूर्वी गोलार्ध में। तो जाहिर सी बात उत्तरी गोलार्ध ये हुआ। अब पूर्वी गोलार्ध क्या है? पूर्वी गोलार्ध का मतलब वो इस हिस्सा में, अगर यहां पर आ गए तो दक्षिण हो गया। इसका मतलब है भारत की स्थिति कुछ कहां पर है? यहां पर। तो जब ऑन ग्लोब आप बात करिएगा ग्लोब पर भारत की अवस्थिति, तो अवस्थिति का मतलब ये हुआ इस ग्लोब के अब चार कोने हो गए, एक
दो तीन चार। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें ग्लोब को तो ये वाला हिस्सा हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जो भारत की स्थिति है इस ग्लोब के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा भारत कहां पर है, इस वाले हिस्से में, मतलब उत्तर और पूर्व के कोने पर है ये वाला हिस्सा। तो ग्लोब पर हम लोग बात करेंगे, पॉइंट नोट करिएगा सभी लोग, यहां पर भारत की ग्लोब पर भौगोलिक जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्व है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग इससे आगे। अब बात करिएगा तो जो भारत की अवस्थिति है, अब हम लोग देखते हैं महाद्वीपों के अकॉर्डिंग, कॉन्टिनेंट, हमने पहले ग्लोब पर देखा, अब देखते हैं महाद्वीप। तो महाद्वीप के अनुसार अगर बांटिएगा तो भारत पूरे विश्व पूरे ग्लोब पर कितने हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं, सात। इन सात महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और अंटार्कटिका, क्लियर हुआ, और अफ्रीका, ये कुछ सात महाद्वीप जो आपके हैं। इन सात महाद्वीपों में एक आपका हमने जो अर्निंग बताया कौन सा, एशिया महाद्वीप। भारत कहां पर है, एशिया महाद्वीप। तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा अवस्थिति, तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है, लेकिन एशिया महाद्वीप को भी हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। हम अगर बात करें वहां पर एशिया महाद्वीप को भी हम लोग कई हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए इसे यहां पर आप मैप पर आइएगा, ये आपका एशिया महाद्वीप का मैप है। अब इस एशिया महाद्वीप को भी हमने कई हिस्सों में बांट दिया, कुछ ऐसे जैसे हम लोग ग्लोब पर बांटते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। कुछ कैसे, कुछ देखिएगा, ये ऐसे दिख रहा है ना। अब देखिएगा ये नॉर्थ एशिया, ये वेस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया और ये साउथ एशिया। अब बताइए इस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भारत की अवस्थिति है वो कहां पर है, साउथ में। तो अब हम बात करेंगे भारत किस कहां पर है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहां है, दक्षिण में स्थित है, मतलब भारत दक्षिण एशिया का देश है। देखिए अभी भी हम लोग अवस्थिति पर हैं, लेकिन अभी भी हम लोग दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर दक्षिण एशिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ कंट्रीज कुल कितने हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों को ही दक्षिण एशिया का देश माना जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, यहां पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये जो आप देश देख रहे हैं ये सबके सब आपके आते हैं साउथ एशिया कंट्री के अंतर्गत। अभी भी भारत की हम स्थिति एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ध्यान दीजिएगा जितने भी सेशन आपसे बताते जा रहे हैं यहां सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ध्यान से इस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सब आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो इन सबके आपको जवाब मिलेंगे। ध्यान दीजिए ये आपको मिलेगा भारत का एक फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन, ये वाला हिस्सा, हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से पहले आपको एक ट्रिक भी बताना चाहते हैं। ट्रिक का मतलब यह है कि कैसे आपको इमेज ड्रॉ नहीं करनी है। एक जनरल हम लोग मैप पर आते हैं तो आपको भारत का कुछ इंडिया का मैप कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इनके चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स ये देख रहे हैं ना, जो इसके चारों एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब सबसे पूर्व पश्चिमी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु, तथा इन सही बिंदुओं को आपस मिला के देखिए क्वाड्रेंट बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ना।
अगर सिर्फ हम एक चतुर्भुज बनाएं तो भी आपका इंडिया का मैप बनेगा। कुछ कैसे देखिएगा, यहां पर इस वाले मैप पे देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए कुछ काम किया गया है ग्राफिक्स से। ये देखिए इंडिया का मैप है, इनकी देखिए सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स को आपस मिलाया गया। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जब बात करते हैं तो वो कौन सा है, इंदिरा कोल, जो कि आपको मिलता है लद्दाख में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु वो आपको मिलता है गुहार मोती, या कहीं कहीं पर मोता लिखा रहता है, क्लियर है। और ये आपको मिलता है गुजरात, कहां मिलेगा, गुजरात में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये आपको मिलेगा किवीथू, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर हुआ। और वहीं पर भारत का जो दक्षिणी बिंदु है किस पे, मुख्य भूमि पर, वो आपका है कन्याकुमारी, जिसे हम लोग केप कोमोरिन कहते हैं, ये वाला हिस्सा। इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाइए तो एक चतुर्भुज नुमा देखिए आकृति बन रही है, देख रहे हैं ना, ये कुछ एक चतुर्भुज के आकार की एक आकृति बन रही है, कुछ ऐसे देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा। क्लियर हुआ। अब इस चतुर्भुज के आकार पर हम लोग अगर भारत की जो है अक्षांशी तथा देशांतरी स्थितियों को देखना चाहें तो वो कुछ कैसे देखेंगे हम लोग, यहां पर आइए, जो भारत का सबसे पूर्वी वाला हिस्सा है, यहां पर भारत का देशांतरीय विस्तार, पहले देशांतरी देखते हैं हम लोग, देशांतरी विस्तार में आइएगा तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये कितना जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इसके बीच में है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं भारत का अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी है, ध्यान दीजिएगा, अक्षांशी विस्तार के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो भारत की मुख्य भूमि है मेन लैंड, ध्यान दीजिएगा, उसका जो विस्तार शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये भी क्या है नॉर्थ, क्लियर हुआ। लेकिन जो भारत का दक्षिणी बिंदु है ये तो मुख्य भूमि का है, लेकिन इसका दक्षिणी बिंदु है कहां पर मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, कहां पर, इंदिरा पॉइंट, ये वाला हिस्सा। और वास्तव में अक्षांशी विस्तार इसके ये एक दो है, ये तो आपका हुआ मुख्य भूमि, लेकिन अब यहां पर देखिएगा तो ये भारत का है, क्योंकि भारत कहां शुरू हो रहा है, यहां से नहीं, यहां से शुरू हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहां तक मिलेगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये वाला हिस्सा। तो अक्षांशी विस्तार आपको दो मिले, एक तो आपको मिला मुख्य भूमि का और दूसरा आपको मिला किसका, भारत का, ठीक। जबकि देशांतरी विस्तार सिर्फ एक है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ध्यान दीजिए ये वाला आपका मैप, यहां पर आइए, ये देख रहे हैं जो अभी हमने वहां पर देखा था एक ट्रायंगल में, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये और ये, तो इसका जो शुरुआत है ये जो आपकी मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि ये अंडमान निकोबार ये आपको मिलेगा 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक।
क्योंकि ये सब इक्वेटर के कहां पर है, नॉर्थ में। इक्वेटर कहां पर है, नॉर्थ में, तो ये भी आपका नॉर्थ हुआ और ये भी, और कहां तक है ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 7 मिनट ये आपको मिलेगा। ये आपका नॉर्थ, और यहां पर आइएगा तो ये आपका मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, आगे चलते हम लोग। ये आपकी अवस्थितियां हो गई। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इसी में ही इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। क्योंकि जो कर्क रेखा है वो पूरे ग्लोब पर आइएगा तो ये आपका इक्वेटर हुआ, और ठीक इसके नॉर्थ में भी आपको मिलेगा 23.5 डिग्री के आसपास एक लाइन है, और 23.5 डिग्री के आसपास एक साउथ में भी लाइन है। ये जो नॉर्थ वाली लाइन है 23.5, इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में कहते हैं इसको कर्क रेखा। ये ध्यान दीजिएगा, भारत के बीचों बीच से जाती है, जैसा कि आप यहां पर प्रो चार्ट में देख रहे हैं, देख रहे ना, ये भारत के बीचों बीच से आती है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो प्रश्न कैसे पूछे गए हैं ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, यही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो कटिबंधों का निर्धारण भी करती है। कटिबंध मतलब जोन, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जोन। भौगोलिक भाषा में आइएगा तो हम लोग कहते हैं कटिबंध, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं क्षेत्र। दो क्षेत्रों का निर्धारण करती है, कैसे, ये आपका एक ग्लोब, ठीक है। अब ये ग्लोब अलग अलग अक्षांशों के आधार पर बांटा गया है, देख रहे हैं ना, ये हिस्सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आपका है उष्ण कटिबंध। क्या है आपका ये उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां पर साल भर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्या होती हैं ये, सीधी पड़ती हैं। कुछ कैसे, ये हिस्सा हुआ और ये आपका सूरज है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ग्लोब पर ये सीधा पड़ेंगे, ये आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा इस पे सीधी पड़ रही है, लेकिन ये सूरज की किरणें 23.5 डिग्री तक ही सीधी पड़ती हैं। और 23.5 डिग्री तक दक्षिण में ही सीधी पड़ती हैं। क्लियर हुआ, तो चूंकि जब किरणें सीधी पड़ती है दोपहर के समय, जो सूरज है आपका ये सर पे चमक रहा है, तो जब सर पे सीधा चमकेगा तो जाहिर सी बात है जो सूरज की सीधी पड़ेंगी तो उनको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, उनका तापमान भी क्या करता है, ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको अधिक गर्मी मिलेगी, तापमान ज्यादा होगा ग्लोब पर यहां पर, ठीक। और इसके ऊपर चलते हैं तो अब जो सूरज है वो और ऊपर जाने पर उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी होने लगती हैं, परिणामतः यहां पर उतना तापमान नहीं होता। किस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में, तो यहां पर तापमान कम हो जाता है इस वाले हिस्से में। और जब इन सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, इन क्षेत्रों के बारे में, तो यहां पर सूरज किरणें और भी तिरछी होती हैं और यहां पर तापमान और भी कम हो जाता है। एक सामान्य भाषा अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ में जाएं और चाहे साउथ में जाएं, जो तापमान है वो क्या होता है, कम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तापमान के वितरण के आधार पर ग्लोब को अक्षांशों के आधार पर ही तीन कटिबंधों में बांटा गया है प्रमुख रूप से। वो कटिबंध कौन से हैं या वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कटिबंध
जोन, कटिबंध या क्षेत्र, ये कौन कौन से हैं? ये वाले पे आइएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं जहां पर वर्ष भर तापमान ज्यादा होता है, इसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक। जबकि इसके ऊपर के हिस्से में आइएगा, ये आपका है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। ये वाला हिस्सा भी आइएगा तो ये भी आपका है शीतोष्ण कटिबंध। जबकि इसके ऊपर के हिस्से में आइएगा जहां पर सूर्य किरणें सबसे कम पहुंचती हैं, ये आपका शीत कटिबंध है, ये भी शीत कटिबंध और ये भी शीत कटिबंध। अब ध्यान दीजिए, जो आपको हम बताना चाहते हैं यहां पर, यही जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, अब देखिएगा ये उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध की सीमा का निर्धारण कर रहा है। मतलब इसके उत्तर में शीतोष्ण और इसके दक्षिण में उष्णकटिबंध, ये आपको मिल रहा है। कैसे? ये देखिए, देख रहे ना, ये आपको मिलेगा यहां पर शीतोष्ण और यहां पर क्या मिलेगा आपको? उष्ण। क्यों? क्योंकि आपको हम इसलिए बताना चाहते हैं, इन्हीं के ही आधार पर भारत में दो जलवायु जो मुख्य रूप से हो गए, मतलब मध्य प्रदेश से उत्तर में जाइएगा तो अब तापमान आपको कम होना शुरू होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। जबकि दक्षिण में जाइएगा तो वहां पर वर्ष भर तापमान क्या रहता है? ऊपर, मतलब उच्च पाया जाता है। वो किसकी वजह से? इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला वाला इमेज है, ये वाला हिस्सा देख रहे ना। अब इसके इधर जाइएगा, देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है टेम्परेट जोन, मतलब ये जो उत्तर भारत है यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, और जो दक्षिण भारत है यहां पर आपको मिलेगा उष्ण कटिबंध। मतलब कैसा? यहां पर गर्म वाले क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही आपका भारत में दो प्रमुख रूप से जलवायु का निर्धारण भी कर दे रहा है। अभी भारत में जलवायु और भी मिल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो अगला आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखिए यहां पर, ये आपका इंडिया का पोलिटिकल मैप और ये आपका जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका जा रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देख रहे हैं यहां पर ना, तो कुल कितने राज्य हो गए? राज्यों के अनुसार चलिएगा तो यहां पर आइए, ये देखिए आपको एक डायग्रामिक सेक्शन बता रहे हैं। एक जो लाइन हमने खींची कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो नंबर ऑफ स्टेट्स भी आपको देखिए देखने को मिल रहा है यहां पर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये ध्यान दीजिएगा, ये राज्यों के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सही क्रम भी है, छत्तीसगढ़, यहां पर आइएगा झारखंड, फिर यहां पर पश्चिम बंगाल, यहां पर त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम। कुल कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर जा रही है। क्लियर हुआ यहां पर? अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस टॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत के अगर राज्यों को देखें तो जो प्रमुख नगर है वो कौन कौन से हैं, मेन सिटीज। ध्यान दीजिएगा, गुजरात का जो गांधीनगर है, गांधीनगर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में मिलेगा आपको, जबकि जो
मध्य प्रदेश का सांची है, यह आपको, और कौन सा, झारखंड का रांची तथा लोहरदगा, लोहरदगा ध्यान दीजिएगा, ये तीन आपको ऐसे क्षेत्र हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिलते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर फिर से बता रहे हैं, मध्य प्रदेश का सांची और झारखंड के लोहरदगा और रांची, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिलते हैं। ध्यान दीजिए क्यों, लोहरदगा एक जो है लोहे की खान है, जबकि सांची पर अशोक का स्तूप मिलता है, जबकि रांची झारखंड की राजधानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर केवल आपको एक राजधानी कौन सी मिलेगी, रांची, जबकि जो नेतरहाट है इसे जो है ये ठीक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में मिलेगा, और जिसे जो है झारखंड की रानी कहा जाता है, या एक तरीके से कहिएगा आपने पढ़ा होगा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तो जो छोटा नागपुर पठार है इसी नेतरहाट को छोटा नागपुर पठार की रानी कहते हैं। रानी मतलब क्या है, उस छोटा नागपुर पठार या झारखंड की सबसे सबसे खूबसूरत जगह है। क्लियर हुआ, अगले पर चलते हैं हम लोग। यहां पर अब हम लोग अगर बात करते हैं किसी टॉपिक ऑफ कैंसर आपके किन किन फिजियोग्राफिक रीजन से गुजरता है, तो ये आप आ जाइएगा जो इसका नेचुरल मैप है। तो ये आपका हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर आइएगा, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात में ये आपका भुज वाला क्षेत्र, और यहीं पर आपको मिलेगा कच्छ कारण, और आगे बढ़ते हैं यहीं पर ही, तो ये यहां पर आपको मिलेगा मेवाड़ पठार, फिर मालवा पठार, फिर और आगे बढ़िएगा बुंदेलखंड, फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहीं पर आपको विंध्यन और सतपुड़ा की पहाड़ियां मिलेंगी, और आगे बढ़िएगा यहीं पर आपको बघेलखंड मिलेगा, और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, फिर यहां पर पहुंचते हैं तो जो आपका बृहद मैदान है पश्चिम बंगाल में आइएगा तो आपको एक मैदान वहां पर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं राढ़ का मैदान। क्या कहते हैं, राढ़ का मैदान। आगे चल के हम लोग तो और बेहतर तरीके से देखेंगे, फिर यही पश्चिम बंगाल से होते हुए यहां कहां पहुंचता है, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जो अचल आ रहा है ये हिस्सा, ठीक है ना, जो कि किसका है, ये हिमालय का। अगर हम लोग कहें कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिमालय उसको इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता, मतलब क्या कर्क रेखा हिमालय को काटती है कि नहीं काटती है, तो यहां पर आइएगा जो उत्तर पूर्वी भारत है जो कि मिजोरम की ओर चला रहा है हिस्सा हिमालय का, यहां पर आकर के इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि यहीं पर आइएगा तो जो आपकी अरावली है, अरावली को भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर काटती है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को जो हमने आपके लिए ग्राफिक ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर आप वीडियो को पॉज करिएगा और इन सारे रीजन को ड्रॉ करिएगा, क्योंकि ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के किन किन भू आकृतिक प्रदेशों से गुजरती है, तो ध्यान दीजिए अरब सागर, अरब सागर से और चलिएगा पूरब की ओर तो कच्छ जो है पेनिनसुला या कच्छ प्रायद्वीप, फिर लिटिल रन पढ़ते हैं आप, फिर वहां पर और आगे बढ़िएगा तो यहां पर देखिए अरावली की पहाड़ियां, ये कौन सी पहाड़ियां हैं, अरावली, अरावली की पहाड़ियां, फिर और आगे बढ़िएगा यहां पर तो आपको मिलेगा मालवा का पठार, और आगे बढ़िएगा बुंदेलखंड, फिर भांडेर पठार। ध्यान दीजिएगा ये आपका मैप में आपको मिलेगा भांडेर पठार, फिर आप पहुंचिएगा तो विंध्याचल या जिसे हम लोग कहते हैं विंध्यन श्रेणी, ये विंध्यन श्रेणी है लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद विंध्याचल कहते हैं, फिर बघेलखंड, और आगे बढ़िएगा तो यहीं पर आपको मिलेगा सतपुड़ा की पहाड़ियां जो कि मैकाल के नाम से जानी जाती हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो किस नाम जानी जाती हैं, मैकाल की पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं, उसे यहां पर काटती है, और आगे बढ़िएगा यहां पर रामगढ़ की पहाड़ी दक्षिण पड़ेंगी, फिर आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, फिर और आगे बढ़िएगा यहां पर राढ़ का मैदान, फिर देखिएगा यहां पर ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो आप पढ़ रहे हैं जो कि किसे कहते हैं हम लोग, मिजो की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ी।
ये वाला हिस्सा, देख रहे ना। तो अब ध्यान दीजिएगा भूआकृतिक प्रदेश रूप, फिर से एक बार ध्यान दीजिए हमारे बातों पर। हम जब पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत के किन किन भौतिक प्रदेशों से गुजरती है? अरब सागर, कच्छ प्रायद्वीप, लिटिल लर्न, फिर अरावली की पहाड़ी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, फिर बघेल, फिर यहां पर भांडेर का पठार, फिर विंध्य श्रेणी, फिर बघेलखंड, फिर यहां पर नैकाल या सतपुड़ा की पहाड़ियां, फिर छोटा नागपुर की पहाड़ियां। ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान दीजिए सारे डायमेंशंस पे ध्यान दीजिएगा। जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान भारतीय मध्यान रेखा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहां पर।